गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम ग्रास ओपर के बॉडी सिस्टम के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे जिनमें सबसे पहला सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम ग्रास ओपर के केस में रेस्पिरेटरी सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट है और ये थ्री कंपोनेंट्स मिल कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है जिनमें सबसे पहला पार्ट है ट्रैकियल सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्यूब्स के नाम से जानते हैं जिसको सेकेंड है स्पाइरिकल्स और थर्ड है एयरसेक्स वन बाय वन इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं सबसे पहले स्पाइरेकल की बात करते हैं स्पाइरेकल क्या है एक्चुअली ये माइन्यूट पोर्स हैं बॉडी की लेटरल साइड पे ये छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट हैं जिनका नंबर टेन पेयर्स है आप इस फोटोग्राफ में दे सक देख सकते हो जहाँ पर ये कर्सर है यहाँ पे देखो ये इसको अनार्ज करके दिखाया गया है बॉडी की लेटरल साइड पे जो ग्रीन कलर के डॉट्स दिख रहे हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये लेटरल साइड पे ये ग्रीन कलर के डॉट्स एक्चुअली में एक पोर हैं जिनको स्पाइरकल्स का नाम देते हैं जो गैसिज एक्सचेंज में हेल्प करते हैं ये पोर डायरेक्टली बाहर ओपन करते हैं टेन पेयर ऑफ पोर्स हैं जिनमें टू पेयर्स थोरेसिक रीजन में और एट पेयर्स एबडोमिनल रीजन में दीज पोर्स आर गार्डेड बाय वाल्व्स स्पेशल टाइप के वाल्व्स हैं जो इनको गार्ड करते हैं इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को वो रेगुलेट करते हैं इसके साथ साथ यहाँ पे स्पेशल टाइप के मसल्स भी प्रेजेंट हैं जो इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करने में रोल प्ले करेंगे ये स्पाइरेकल्स आगे ट्रैकिया या जिनको हमने रेस्पिरेटरी ट्यूब का नाम दिया था उनके साथ कनेक्टेड होते हैं मीन्स जो भी गैसी स्पाइरेकल से बॉडी में एंटर करेगी वो गैस आगे रेस्पिरेटरी ट्यूब या ट्रैकिया के अंदर एंटर करेगी मीन्स दीज स्पाइरेकल्स आर कनेक्टेड विद ट्रैकियल ट्यूब्स अगर हम देखें तो इन टेन पेयर ऑफ स्पाइरकल्स में से जो फर्स्ट फोर पेयर ऑफ स्पाकल्स हैं वो इंस्पीरेशन में रोल प्ले करेंगे फर्स्ट फोर मीन्स टू पेयर इन थोरेसिक रीजन एंड टू पेयर ऑफ एवडोमिनल रीजन ये इंस्पीरेशन में एयर या गैसेज को अंदर ले जाने में हेल्प करेंगे तो इनको इंस्पिरेटरी स्पाइरिकल्स का नाम देते हैं और लास्ट के जो सिक्स पेयर ऑफ स्पाइरिकल्स हैं मीन्स सिक्स पेयर ऑफ एबडोमिनल स्पाइरकल ये गैसेज को बाहर लाने में हेल्प करेंगे इनको हम एक्सपीरेटरी पोर्स का नाम देते हैं या एक्सपीरेटरी स्पाइरिकल्स का नाम देते हैं तो टोटल टेन पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स आउट ऑफ विच फर्स्ट फोर पेयर्स आर इंस्पिरेटरी स्पाइरकल एंड लास्ट सिक्स पेयर्स आर एक्सपीरेटरी स्पाइरकल ये गैसेज एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं आउटर इन्वायरमेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं डेट्स वाई इनको एक टाइप से आप एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट फॉर गैसेज भी बोल सकते हो क्योंकि यहीं से गैसेज अंदर जाती हैं और यहीं से गैसेज बाहर इच स्पाइरेकल इट लीड टू अ स्मॉल चैम्बर विच इज नोन एज एट्रियम मतलब एक स्पाइरेकल एक छोटे से चैम्बर में ओपन करता है यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये लेटरल साइड पे जो पोर है स्पाइरेकल है ये एक छोटे से स्पेस में ओपन करेगा इस स्मॉल स्पेस को हम क्या नाम देते हैं एट्रियम का नाम देते हैं आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो ये लेटरल साइड पे जो पोर्स दिख रहे हैं हमें इनको हम स्पाइरेकल का नाम दे रहे हैं इनमें से फर्स्ट टू हमने थोड़ा है स्पाइरेकल और लास्ट जो एट है वो हमारे पास एबडोमिनल स्पाइरेकल्स प्रेजेंट है अब बात करते हैं हम सेकेंड कंपोनेंट की जिनको हमने नाम दिया था ट्रैकिया का या एयर ट्यूब्स के नाम से भी इनको जानते हैं ये वाइट कलर की इलास्टिक क्लोज एंड ब्रांच ट्यूब्यूल्स हैं दीज आर वाइट इलास्टिक क्लोज एंड ब्रांच ट्यूब्यूल्स नंबर की बात करें तो देयर आर थ्री पेयर्स ऑफ मेन लॉन्गिट्यूनल ट्रैकि थ्री मेन पेयर्स हैं बाकी इनकी बहुत सारी ब्रांचेज नेटवर्क है जो पूरी बॉडी में फैला हुआ है इन थ्री पेयर्स में से देखें तो ईच साइड पे ईच लेफ्ट एंड राइट साइड पे वन डोर्सल ट्रैक या वन लेटरल ट्रैक या एंड वन वेंट्रल ट्रैक या यहाँ डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है देखो ये जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है दिस इज द लेटरल ट्रैक या जो किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है स्पाइरिकल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है ये वन डोर्सल ट्रैक या जो डोर्सल साइड पे है और ये वेंट्रल ट्रैक या जो वेंट्रल साइड पे है इसी तरह अगर हम राइट साइड में देखें तो वन लेटरल ट्रैक या वन डोर्सल ट्रैक या एंड वन वेंट्रल ट्रैक किया ये जितने भी ट्रैकि हैं ये आपस में कनेक्टेड है यहाँ पे देखो जो लेट्रल है वो डोर्सल के साथ भी कनेक्टेड है और लेट्रल वेंट्रल के साथ भी कनेक्टेड है साइड बाय साइड अगर हम देखें तो ये अपोजिट साइड के जो ट्रैकि हैं उनके साथ भी कनेक्टेड है डोर्सल आपस में कनेक्टेड है लेटरल भी आपस में कनेक्टेड है ब्रांचिंग के थ्रू नेटवर्क ऑफ ट्रैकि्स के थ्रू और जो वेंट्रल्स हैं वो भी आपस में कनेक्टेड हैं ताकि बॉडी के अंदर एक नेटवर्क बन सके जिससे कि बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट्स में गैसेज सप्लाई का काम होगा गैसेज एक्सचेंज के लिए ये पूरा का पूरा नेटवर्क एक पूरी बॉडी के अंदर बिछा होता है अगर हम इंटरनल लाइनिंग देखें तो इन ट्रैकिया की जो इंटरनल लाइनिंग वो क्यूटिकल से बनी होती है कहीं कहीं वो थ्रेड की तरह एक थिकनिंग एक रिंग फॉर्म करेगी जो इन ट्रैकिया को क्लैप्स नहीं होने देगी कोलेपसन कोलेप्स से बचाने के लिए वहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जैसे हमारे ट्रैकिया के अंदर होते हैं क्यूटिकल के लाइनिंग सेम यहाँ पे भी लाइनिंग प्रेजेंट है जिनको टैनिडे का नाम देते हैं क्यूटिकल की लाइनिंग टेनिडे जो क्लैप्स से इसको बचाएगी जो फाइन ब्रांचेज हैं उनको ट्रैक्योल्स का नाम देते हैं जो मेजर थ्री ब्रांचेज थ्री वेसल्स थ्री एयर ट्यूब्स थी उनको ट्रैकिया का नाम देते हैं और इनकी जो ये फाइन ब्रांचेज हैं जो पूरी बॉडी में स्प्रेड है इनको का नाम देते हैं देन अगर इसमें देखें थर्ड कंपोनेंट वो है एयर सैक एयर सैक की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में ये बाहर स्पाइरेकल स्पाइरेकल ओपन कर रहा था एट्रियम में ये एट्रियम आगे कम्युनिकेट कर रहा था लेटरल ट्रैकिया के साथ और यहीं से देखो ये एक ब्रांच एक पाउच बना रही है इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं एयर सैक एक्चुअली क्या है पे जो है, वो एक्सपेंड कर गया है वो एयर को स्टोर करने के लिए बेटर सर्कुलेशन के लिए एक्सपेंड कर गया है ताकि बॉडी के अंदर सफिशेंट अमाउंट में गैसी सप्लाई की जा सके इसी को हम एयर सैक का नाम देते हैं आप इस डायग्राम में भी क्लियरली एक एयर सैक्स को देख सकते हो यहाँ पे देखो ये बाहर स्पाइरेकल थे जहाँ कर्सर मूव कर रहा है स्पाइरेकल स्पाइरेकल आगे एट्रियम के थ्रू ट्रैकिया से कनेक्टेड है और यहाँ पे ये रेड कलर का जो पाउच दिख रहा है दिस इज एयर सैक और अगर हम पीछे के डायग्राम में देखें तो यहाँ पे भी देखो ये जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है बीच बीच में कहीं कहीं ये सब एयर सैक्स हैं जिनका काम एयर को स्टोर करना ताकि बेटर वे में बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक एयर को गैसेज को सप्लाई किया जा सके मकैनिज्म देखें तो इनका जो रेस्पिरेशन का मकैनिज्म है वो बिल्कुल सिंपल है उसमें कुछ स्पेशल नहीं है ये अपने एबडोम की हेल्प से एबडोमिनल एक्टिविटी की हेल्प से रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं जिसमें अगर हम देखें तो जो एबडोमिनल रीजन है जब एबडोमिनल रीजन एक्सपेंड करेगा तो अंदर कैविटी का साइज इंक्रीज हो जाएगा यहाँ डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हो एबडोमिनल रीजन एक्सपेंड करेगा तो बॉडी के अंदर कैविटी का साइज इंक्रीज प्रेशर डिक्रीज जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा जो एंटीरियर फोर पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स थे वो ओपन करेंगे और एयर अंदर जाएगी जिसको हम इंस्पिरेशन का नाम देंगे ठीक है बिल्कुल आसान है ये एबडोमन एक्सपेंड करेगा इंटरनल चैम्बर का साइज इंक्रीज होगा प्रेशर डिक्रीज होगा फर्स्ट फोर पेयर ऑफ स्पायरकल ओपन करेंगे गैसेज अंदर जाएंगी जिसको हम इंस्पिरेशन का नाम देंगे वहीं अगर हम देखें एक्सपीरेशन में तो एबडोमन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, एबडोमन कॉम्प्रेस हो जाएगा जैसे ही एबडोमन कॉम्प्रेस होगा इंटरनल कैविटी का साइज डिक्रीज हो जाएगा अंदर एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और जो लास्ट सिक्स पेयर ऑफ स्पाइरेकल्स थे एबडोमिनल स्पायरेकल्स वो ओपन करेंगे और जो भी फाउल एयर है वो बॉडी से बाहर आ जाएगी ये जो ट्रैक्यल नेटवर्क है इसका सबसे मेन सिग्निफिकेंस ये है कि बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक जो ऑक्सीजन सप्लाई या गैसी सप्लाई है वो डायरेक्ट ट्रैक्योल्स नेटवर्क के थ्रू होती है यहाँ पे ब्लड का रेस्पिरेशन में या गैसी ट्रांसपोर्टेशन में रोल नहीं है ब्लड के अंदर कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है तो ब्लड रेस्पिरेशन या गैसेज एक्सचेंज में गैसेज ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले नहीं करता डैट्स वाई पूरी बॉडी के अंदर ट्रैक्योल्स का एक नेटवर्क एक जाल बिछा हुआ है जो ईच एंड एवरी पार्ट्स तक गैसेज सप्लाई कर रहा है बहुत एफिशिएंटली वे में वो गैसेज सप्लाई कर रहा है इस डायग्राम के थ्रू हम आसानी से मैकेनिज्म ऑफ गैसेज एक्सचेंज को समझ सकते हैं यहाँ से देखो जहाँ पे ये कर्सर है ऑक्सीजन अंदर जा रही है किसके थ्रू स्पाइरेकल्स के थ्रू स्पाइरेकल आगे किससे कनेक्टेड है ट्रैक्यूल ट्रैकिया से ट्रैकिया से आगे ब्रांचेज जिनको क्या नाम दिया ट्रैक्योल्स वो ट्रैक्योल्स बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है वहीं सेकेंड जो ट्रैक्योल्स हैं ये देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट कर रही हैं कलेक्ट करके ट्रैक्योल्स के थ्रू उसको बाहर एक साइड से फर्स्ट फोर सेगमेंट से ऑक्सीजन अंदर जाएगी और लास्ट सिक्स सेगमेंट से CO2 टू बाहर आएगी तो ये इनके गैसेज एक्सचेंज का मैकेनिज्म जो सिंपल है आसान है और बहुत बार इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है मींस ब्लड ब्लड वेसल से बाहर बॉडी कैविटी में मूव करता है और इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है हम उसको स्पेशल नाम देते हैं हीमोसिल यहाँ पे आपको बताया था जो सिलोम है वो काफी रिड्यूस्ड फॉर्म में प्रेजेंट है एपिडर्म से लाइंड बॉडी कैविटी जिसको हीमोसिल का नाम देते हैं जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम का जो कंपोनेंट पार्ट है वो है हार्ट और थर्ड है हीमोसिल मीन्स तीन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से तीन कंपोनेंट है फर्स्ट हिमोसिल सेकंड हार्ट और थर्ड हिमोलिम्फ वन बाय वन तीनों को डिस्कस करते हैं सबसे पहले हिमोसिल की बात करते हैं मैंने अभी आपको बताया हिमोसिल क्या है इट इज जस्ट अ बॉडी कैविटी जैसे ये ऊपर की तरफ ये एक डायग्राम दिखा रखा है आप लोगों को ये एक सिस्टमेटिक सा डायग्राम है ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि जो ग्रास ओपर की बॉडी कैविटी है वो एक्चुअली थ्री चैम्बर में बटी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हो डोर्सल चैम्बर मिडल चैम्बर वेंट्रल चैम्बर इनको साइनस का नाम देते हैं डोर्सल साइनस पेरीविश्रल साइनस और वेंट्रल साइनस और जो इनको डिवाइड कर रहे हैं वो स्पेशल टाइप के सेप्टम हैं जिनको डायाफर्गम का नाम देते हैं जिसमें एक डोर्सल डायाफॉगम और एक वेंट्रल डायाफॉगम जो डोर्सल डायाफॉगम है वो डोरसल साइनस और पेरीविश्रल साइनस के बीच में प्रेजेंट है और जो वेंट्रल डायाफोगम है वो पेरीविश्रल साइनस और वेंट्रल साइनस के बीच में है डेट्स वे इनकी बॉडी कैविटी हिमोसिल थ्री चैम्बर में डिवाइड होगी डोर्सल साइनस पेरीविशल साइनस एंड वेंट्रल साइनस ये तीनों के तीनों चैम्बर आपस में इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे बहुत माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं ताकि डोरसल से ब्लड पेरीविसल में जा सके या पेरीविसल से वेंट्रल साइनस में देन बैक टू पेरीविसल साइनस वेंट्रल साइनस से वापस पेरीविसल साइनस और पेरीविस्टल साइनस से वापस कहाँ ब्लड जाएगा डोरसल साइनस में तो ये इनकी बॉडी कैविटी जो थ्री सब चैम्बर्स में डिवाइड हो चुकी है देन बात करते हैं हार्ट की इनका हार्ट स्ट्रेट ट्यूबुलर पल्सेटाइल और सेवन फनल शेप चैम्बर से बना हुआ है ये जो डोरसल साइड पे दिख रहा है ये इनका हार्ट है और ये जो फनल शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये फनल शेप स्ट्रक्चर इनके चैम्बर हैं पोस्टीरियर साइड से हार्ट इनका क्लोज है और एंटीरियर साइड पे एक डक्ट के थ्रू ओपन कर रहा है जिसको एंटीरियर ओटा या डोरसल ओटा का नाम भी देते हैं तो सेवन फनल शेप चैम्बर से बना हुआ है ये हार्ट जिसके पास स्पेशल टाइप के फैन शेप्ड मसल्स भी हैं जिनको अलरी मसल्स बोलते हैं जो इनकी कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेंगे इस डायग्राम में देख सकते हो ये फैन शेप जो मसल्स हैं दीज आर ये अलरी मसल्स हैं जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करेंगे ताकि ब्लड को आगे बॉडी पार्ट्स में मूव किया जा सके सप्लाई किया जा सके ईच हार्ट देखो ये हार्ट चैम्बर जो है इनके ऊपर आपको एक सा दिखेगा एक सर्कुलर सा है एक्चुअली में ये पोर्स हैं जिनको उश्या का नाम देते हैं

क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टाइप के वॉल्स हैं जो ब्लड फ्लो को वन डायरेक्शन में ही अलाउ करते हैं बैक डायरेक्शन में अलाउ नहीं करते देन ब्लड इन हार्ट हार्ट चैम्बर के अंदर फॉरवर्ड मूव करेगा फॉरवर्ड मूव करता हुआ वो इस डक्ट के अंदर इस ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा जिसको हमने क्या नाम दिया था एंटीरियर ओटा या डोर्सल ओटा इस डोरसल ओटा से जो ब्लड है वो हेड रीजन में जाएगा हेड साइनस के अंदर जाएगा साइनस मैंने आपको पहले ही बताया तीन साइनस ये फर्स्ट डोर्सल साइनस इसको पेरिकार्डियल साइनस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि हार्ट इसी साइनस में प्रेजेंट है पेरिकार्डियल साइनस ये बीच का जो स्पेस है दिस इज पेरीविशरल साइनस और ये जो सबसे लोअर है दिस इज वेंट्रल साइनस डोर्सल साइनस जहाँ पे हार्ट है मिडल में पेरीविशरल और लोअर पेरी सॉरी वेंट्रल साइनस तो हार्ट में ब्लड फॉरवर्ड मूव करेगा रीजन से जाएगा रीजन से वो वेंट्रल साइनस और पेरीविशल साइनस दोनों में बैकवर्ड मूव करेगा इसी पेरीविशल साइनस से ब्लड विंग्स को भी सप्लाई किया जाएगा यहाँ से लिम्स को भी सप्लाई किया जाएगा देन बैक टू वेंट्रल साइनस वेंट्रल साइनस से फिर मूव करेगा पेरीविसल साइनस अपवर्ड जाएगा और पेरीविशल साइनस से वापस वो डोर्सल साइनस में जाएगा इस डायग्राम में हमें और भी क्लियर हो जाएगा देखो ये हार्ट के अंदर ब्लड फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता वो हाइड्रीजन हाइड्रीजन से कुछ ब्लड पेरीविश साइनस में गया और देखो कुछ नीचे की तरफ पेरी सॉरी वेंट्रल साइनस में गया पेरीविशल साइनस से देखो विंग्स को भी सप्लाई हो रहा है ब्लड और जो वेंट्रल साइनस है वहां से लिम्स को सप्लाई होगा जो थ्री पेयर ऑफ लिम्ब थे लेग्स थे उनको भी सप्लाई होगा देन वेंट्रल साइनस से ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ से देखो ऊपर की तरफ विसल साइनस में गया और विसरल साइनस से ब्लड वापस कहाँ गया डोरसल साइनस डोरसल साइनस से हार्ट में ओस्टिया के थ्रू देन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करता हुआ डोरसल ओरटा में डोरसलोटा से हेड रीजन पेरीविसरल देन वेंट्रल साइनस और इस तरह से पूरी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो मूव करता रहेगा अब बात करते हैं इनके ब्लड की ब्लड को हीमोलिम्फ का नाम भी देते हैं इनका ब्लड कलरलेस है जिसमें दो मेन कंपोनेंट हैं प्लाज्मा और वाइट कॉर्पसल्स मैंने आपको पहले बताया था इनके ब्लड में कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट या हीमोग्लोबिन नहीं है डेट्स वाई ब्लड इनका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिल्कुल कलरलेस है इसमें प्लाज्मा प्लस वाइट कॉर्पसल्स जिनको हीमोसाइट्स का नाम देते हैं इन आ, ब्लड के अंदर और क्या क्या, -क्या चीजें प्रेजेंट है या सेवेंटी परसेंट वाटर प्रेजेंट है अमीनो एसिड्स हैं यूरिक एसिड्स हैं प्रोटीन शुगर बहुत सारे मिनरल साल्ट सोडियम पोटाशियम उसके साथ साथ जो अमीबोसाइड्स थे वो भी अलग अलग शेप्स के हैं कुछ उसमें से प्रोल्यूकोसाइड्स कुछ फैगोसाइड्स, सम ऑफ देम आर ग्रैन्युलोसाइड्स सम ऑफ देम आर ग्रैनुलर ल्यूकोसाइड्स एंड ओइनोसिटोइड्स तो डिफरेंट टाइप्स के इनके पास ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स प्रेजेंट हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो ब्लड का काम क्या हुआ ब्लड एक तो पूरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन सप्लाई करेगा हार्मोनल सप्लाई करेगा और इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा क्योंकि इसके पास वेरियस टाइप्स ऑफ कॉर्पसल्स हैं ब्लड सेल्स हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे सर्कुलेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया ब्लड कैसे सर्कुलेट करता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखें तो इनके पास स्पेशल टाइप की टिब्यूल्स प्रेजेंट है जिनको हम मॉलपीजियन टिब्यूल्स का नाम देते हैं आप इस डायग्राम में क्लियरली देख सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम में मिड गट और हाइंड गट जहाँ पे मिड गट और हाइंड गट का जंक्शन है वहाँ पे हमें नंबर्स ऑफ पेयर टिब्यूल्स दिख रही हैं ये पर्पल कलर में जो दिख रही हैं दीज टिब्यूल्स आर मोलपीजियन टिब्यूल्स एक्चुअली में यही इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये मोलपीजियन टिब्यूल एक एंड से तो गट के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड इनका फ्रीली ब्लड के अंदर स्विम कर रहे हैं एक टाइप से हीमिम्प के अंदर फ्रीली प्रेजेंट है कैसे फंक्शन करता होगा ये ये जो मलपीजेंटब्यूल्स हैं ये ब्लड या हीमोलिम्प से वेस्ट को कलेक्ट करेंगे जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा उसको एबजॉर्ब किया जाएगा एबजॉर्ब करने के बाद उस वेस्ट को कहाँ डिस्चार्ज कर दिया जाएगा गट में इलियम के एंटीरियर रीजन में इसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा देन यहाँ से वो वेस्ट गट इलियम रेक्टम रीजन में मूव करेगा यहाँ पे वाटर की मैक्सिमम रीअबज़ॉर्बशन हो जाएगी और जो भी सोलिड सेमी सॉलिड टाइप का जो वेस्ट है वो डाइजेस्टिव सिस्टम या अनडाइजेस्टिड फूड के साथ ही उसको बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा इनके पास जो वेस्ट है वो यूरिक एसिड है ये यूरिक एसिड फॉर्म करते हैं डैट्स वाई इनको यूरिकोटैलिक का ऑर्गेनिज्म का भी नाम दे सकते हैं दीज आर यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म तो डायरेक्टली जो भी वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा मॉल पीजियन टिब्यूल्स के द्वारा जो हिमोलिम्फ या ब्लड से कलेक्ट करेंगे वो गट के अंदर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इसका सिग्निफिकेंस मैंने अभी आपको बताया है गट में वेस्ट को डिस्चार्ज करने का सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है रीअब्जोशन ऑफ वाटर मैक्सिमम वाटर की रीअबजॉप्शन होगी समर्ट सॉलिड सेमी सॉलिड टाइप का यूरिक एसिड बॉडी से बाहर रिलीज किया जाएगा अनडाइजेस्टेड फूड के साथ इस डायग्राम में भी आप देख सकते हो ये मॉल पीजियन टिब्यूल्स हैं जो ब्लड के अंदर फ्रीली हैंग कर रहे हैं ब्लड से वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा एक्सट्रैक्ट किया जाएगा देन वो ब्लड मूव करता हुआ कहाँ जाएगा गट में गट में देखो फिर यहाँ पे वाटर की क्या शो कर रहे हैं रीअबजॉप्शन वाटर की रीअबजॉप्शन हो जाएगी और सेमी सॉलिड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में यूरिक एसिड बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा तो ये भी एक इनका एफिशिएंटली फंक्शन कर रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ मालपीजियन टिब्यूल्स नेक्स्ट हम बॉडी सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम हमेशा की तरह नर्वस सिस्टम तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम सबसे पहले बात करते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इसमें बहुत सारे गैंगलिया प्रेजेंट हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ गैंग्लिया ओसोफेगस के अब प्रेजेंट हैं डोर्सल साइड पे प्रेजेंट है तो सुप्राइसोफेजियल गैंगलिया इन गैंगलिया को इनकी पोजिशन के अकॉर्डिंग ही नाम देंगे ओसोफेगस के अब है तो सुपरा ऑसोफेजियल गैंगलिया ओसोफेगस के बिलो है तो सब ऑइसोफेजियल गैंगलिया दोनों को सुप्रा और सब को आपस में कनेक्ट करने के लिए सरकम ओइसोफेजियल कनेक्टिव जो ओसोफेगस की लेटरल साइड से प्रेजेंट है और सब ऑसोफेजियल गैंगलिया को आपस में कनेक्ट कर रही है जो भी हम डायग्राम में और अच्छे से स्टडी करेंगे और जो फोर्थ कंपोनेंट है वो है वेंटल नर्व कोड वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं इसमें सबसे पहले सुप्राउसोफेजियल गैंग्लिया नाम से पता चल रहा है ये ओसोफेग की डोरसल साइड पे है प्रेजेंट है इनको ब्रेन का नाम भी देते हैं गैंग्लिया दे आर ऑल्सो नोन एज ब्रेन इनको फर्दर हम थ्री सब पार्ट में डिवाइड करते हैं यह सुप्राउसोफेजियल गैंगलिया का फोटोग्राफ है डायग्राम है इसका जो एंटीरियर पार्ट है अप टू दिस इसको प्रोटोसेरिब्रम का नाम देते हैं मिडल पार्ट की बात करें तो ड्यूटोसेरिब्रम और पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो ट्राइटोसेरिब्रम मीन्स तीन कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है कौन कौन से तीन कंपोनेंट है सुप्राइसोफेजियल गैंगलिया के प्रोटोसेरिब्रम ड्यूटोसेरिब्रम एंड ट्राइटोसेरिब्रम ये पेयर्ड है कैसे गैंगलिया ये पेयर्ड लेफ्ट साइड पे भी प्रोटोसेरिवरम राइट साइड पे भी देन बोथ साइड पे ड्यूटोसेरिवरम एंड ट्राइटोसेरिवरम दीज पेड गैंगलिया आर इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड यहाँ पे स्पेशल टाइप के ट्रांस ट्रांसफर्स कनेक्टिवस होते हैं जो लेफ्ट गैंगलिया और राइट गैंगलिया को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं देन अगर हम बात करें तो यहाँ पे सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव

तीन कंपोनेंट मिलकर बन, रिंग बनाएंगे कौन-कौन से सुप्रायसोफेजियल गैंग्लिया सबोइसोफेजियल गैंग्लिया एंड सर्कमओसोफेजियल कनेक्टिव इसको नर्व रिंग का नाम भी देते हैं देन अगर हम देखें इसमें सबोइसोफेजियल गैंग्लिया जो मैंने अभी आपको बताया इस डायग्राम में इस फोटोग्राफ में क्लियरली दिख रहे हैं ओसोफेगस की वेंट्रल साइड पे लोअर साइड पे गैंग्लिया प्रेजेंट है जहां पे कर्सर मूव कर रहा है इनको हम सब वो फेजियल गैंगलिया का नाम देते हैं ये भी पेड़ है और फ्यूज फॉर्म में प्रेजेंट है यहाँ पे जितने भी गैंगलिया हैं, सबके सब पेयर्ड है दिख रही है जो बैकवर्ड मूव कर रही है दिस वन इट इज वेंट्रल नर्व कोड वेंट्रल नर्व कोड कहाँ से राइज हो रही है ये सब वोफेजियल गैंगलिया से राइज हो रही है बैकवर्ड मूव कर रही है और यहाँ पे देखो

एबडोमिनल गैंगलिया जो वेंट्रल नर्व कोड में प्रेजेंट है जो बैकवर्ड एक्सटेंड कर रही है और सब ओसोफेजियल गैंगलिया से वो अराइज हो रही है ये इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम था अब बात करते हैं पेरीफल नर्वस सिस्टम की तो पेरीफल नर्वस सिस्टम में अगर हम देखें कुछ स्पेशल टाइप की नर्व फाइबर्स हैं ये नर्व फाइबर्स डिफरेंट सेगमेंट्स डिफरेंट गैंगलिया से अराइज हो रही हैं जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में इनोवेट कर रही हैं बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को नर्वस सिस्टम के साथ ब्रेन के साथ या कनेक्टिव के साथ कनेक्ट कर रही हैं कौन कौन सी नर्व्स हैं ये कहाँ कहाँ से राइज हो रही हैं सबसे पहले अगर हम देखें सुप्राउसोफेजियल जो गैंग्लिया थे उनको प्रोटोसेरिब्रल गैंग्लिया से देखें तो वहाँ से टू पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एंड थ्री पेयर ऑफ ओसिलरी नर्व्स अराइज होंगे फ्रॉम दी प्रोटोसेरिब्रल गैंगलिया ऑफ ब्रेन टू पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व्स एंड थ्री पेयर ऑफ ओसिलरी नर्व्स वहीं अगर हम ड्यूटो ड्यूटोसेरिबुलरल गैंग्लिया से देखें तो यहाँ पे वन पेयर ऑफ एंटीनरी नर्व्स हैं जो एंटीना रीजन में जाएंगी एंटीना को सेंसरी ऑर्गन फॉर्मेशन का काम करेंगी वहाँ से जो भी सिग्नल आएगा उसको रिसीव करेंगी नेक्स्ट अगर हम देखें टाइटोसेरबुलल रीजन ऑफ ब्रेन वहाँ से पेयर ऑफ लेब्रो फ्रंटल नर्व्स जिनमें लेब्रम रीजन में और फ्रंटल कनेक्टिव के साथ ये कनेक्टेड होंगी वहीं अगर हम सब ऑइसोफेजियल गैंगलिया से देखें तो वहाँ से अ नंबर ऑफ नर्व्स जो सप्लाई होंगी हाइपोफेरेंजियल रीजन में मैंडिबुलर में मैगजिलरी लेवियल एंड सर्वाइकल नर्व्स जो डिफरेंट इन्हीं पार्ट्स को नर्व सप्लाई करेंगी हाइपोफेरेंजियल नर्व्स फेरिंग्स रीजन में जाएंगी मैंडिबुलर मैगजिलरी रीजन में लेबियल सर्वाइकल रीजन में सब ऑइसोफेजियल गैंगलिया से नर्व सप्लाई की जाएंगी सबसे लास्ट में अगर हम देखें तो नर्व्स फ्रॉम दी वेंट्रल कॉर्ड यहाँ पर हमने देखा था वेंट्रल कॉर्ड में डिफरेंट गेंगलिया प्रेजेंट हैं ये गेंग्लिया अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर नर्व फाइबर सेंड करेंगे इस फोटोग्राफ में भी हमें दिख रहा है अलग अलग गेंग्लिया से नर्व्स राइज हो रही हैं जो सेगमेंटल ऑर्गन को सप्लाई होंगी ताकि सेगमेंटल ऑर्गन भी डायरेक्टली नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हो सके और यहाँ पर जो सिग्नल है वो एक्सचेंज हो सके धन हम बात करते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम की जिसको स्टोमैटोगेस्ट्रिक नर्वस सिस्टम का भी नाम देते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम और स्टोमैटो गैस्ट्रिक नर्वस सिस्टम इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी स्पेशल टाइप के गैंग्लिया और नर्व्स प्रेजेंट हैं ये दोनों ही गैंग्लिया और नर्व्स ब्रेन के साथ कनेक्टेड है जिसमें थ्री मेन गैंग्लियाज हैं जिसमें सबसे फर्स्ट है फ्रंटल गैंग्लिया ये जो स्मॉल दिख रहा है दिस इज फ्रंटल गैंग ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है ये फ्रंटल गैंगलिया देखो ये ब्रेन के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव जिनको हम फ्रंटल कनेक्टिव का नाम देते हैं गैंग्लिया का नाम फ्रंटल गैंगलिया तो जो कनेक्टिव इसको ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इनको फ्रंटल कनेक्टिव का नाम देते हैं इसी तरह ओसोपिटल गैंगलिया ये ब्रेन के जस्ट बिहाइड प्रेजेंट होता है ये भी ब्रेन के साथ कनेक्टेड होगा विद हेल्प ऑफ ओसीपिटल कनेक्टिव फ्रंटल गैंग्लिया ब्रेन के साथ कनेक्टेड है फ्रंटल कनेक्टिव के साथ ओसीपिटल गैंग्लिया ब्रेन के साथ कनेक्टेड है ओसीपिटल कनेक्टिव के साथ इसी तरह एक थर्ड पेयर ऑफ गैंग्लिया जिसको इंग्लूवियल गैंग्लिया का नाम देते हैं जो गैस्ट्रिक सिक्के की जस्ट एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है इंग्लूवियल गैंग्लिया ये ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड होता है और नेबरिंग पार्ट्स को भी ये स्मॉल नर्व सप्लाई करेगा क्या फंक्शन करता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जितनी भी इन्वलेंट्री एक्टिविटीज हैं विशल ऑर्गन की चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल की है या अदर विशल ऑर्गन्स हैं हार्ट है इसका एक्सक्रिएटरी सिस्टम है उन सब की एक्टिविटी को कंट्रोल करने में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा तो इस तरह से हमने इनके तीन कंपोनेंट स्टडी कर लिए जिसमें कौन कौन सा था सबसे पहले अगर हम देखें तो हमने आज स्टडी किया इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें हमने तीन कंपोनेंट मेन जो कंपोनेंट देखे जिसमें ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स स्पाइरेकल्स और एयर सैक प्रेजेंट थे स्पाइरेकल टेन पेयर प्रेजेंट थे जिसमें दो पेयर थोरेसिक रीजन में और एट पेयर एबडोमिनल रीजन में थे देन हमने इनके ट्रैकिया के बारे में देखा तो ईच लेटरल साइड पे थ्री ट्रैकिया डोरसल लेटर एंड वेंट्रल देन हमने एयर सैक की बात की ईच ट्रैकिया हैविंग सम पाउच लाइक स्ट्रक्चर टू स्टोर द एयर जिनको हमने एयर सेक का नाम दिया उसके बाद हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखे तो फिर से तीन कम्पोनेंट देखे हमने हेमोसिल हार्ट एंड हिमोलिम्फ बॉडी कैविटी को हमने हीमोसिल का नाम दिया सेवन फैन लाइक सॉरी सेवन फनल शेप्ड चैम्बर से इनका हार्ट बना हुआ था और कलरलेस इनका ब्लड था क्योंकि उसके पास कोई भी पिगमेंट नहीं था प्लाज्मा और ब्लड uh, सेल्स या डब्ल्यू से बना हुआ इनका ब्लड था ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम था जिसमें ब्लड वेसल्स अच्छे से डेवलप्ड नहीं थे देन हमने एक्सक्रेटरी सिस्टम में स्पेशल टाइप की मॉल पीजियन टिब्यूल्स देखी जो गट के साथ कनेक्टेड है मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन पे है वो ब्लड से वेस्ट कलेक्ट करेंगी गट में डिस्चार्ज करेंगी जिसका सिग्निफिकेंस क्या होगा वाटर की मैक्सिमम रीअबजॉर्प्शन होगी वाटर की कंजर्वेशन होगी और सेमी सॉलिड फॉर्म में यूरिक एसिड बॉडी से बाहर लीज होगा ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं इसलिए इनको यूरिकोटेलिक भी हम बोल सकते हैं और सबसे लास्ट में हमने नर्वस सिस्टम स्टडी किया जिसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वेरियस टाइप्स के गैंग्लिया ऑइसोफेगस के अबाउट तो सुपरा ऑइसोफेजियल बिलो तो सब ऑइसोफेजियल दोनों को कनेक्ट करने के लिए सरकम ऑसोफेजियल कनेक्टिव और वेंट्रल नर्व कोड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना रहे थे पेरीफुल नर्वस सिस्टम में वो सारी नर्व्स फाइबर्स जो डायरेक्टली या तो गैंग्लिया से अराइज हो रही हैं या कनेक्टिव से या नर्व कोड से अराइज हो रही हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को इनोवेट करेंगी फिर हमने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम देखा जिसमें फ्रंटल गैंग्लिया ओसीपिटल गैंग्लिया और इंग्लूवियल गैंग्लिया ये इंक्लूडिड थे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके अदर बॉडी पार्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे थैंक यू